फ्रेंड्स, मैं हूं मोमोन और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं सिंपल पोटैटो फ्राई। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, तो फिर चले इसे शुरू करते हैं। यहां पर मैंने दो बड़े साइज आलू को इसे लंबाई में कट करके 4 से 5 मिनट के लिए पानी में डाल दिया है, ताकि आलू में जितने भी स्टार्च है वो सारे निकल जाए। यहाँ पर मैंने सारे आलू को निकाल दिया है, अब इसे साइड में रख देंगे। पैन में लिया है मैंने 2 चम्मच ऑयल, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच सरसों डाल देंगे, साथ में डालेंगे थोड़े से करी पत्ता। अब ये सारे को कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई होने देंगे। अब इसमें डालेंगे धो के रखा हुआ आलू, नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। आलू डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। यहाँ पे मैंने कवर को हटाया है। अब इसमें मसाला ऐड करने से पहले इसे थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देंगे। आलू को यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और ये 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। ये सारे मसाले को अब आलू के साथ मिला देंगे। यहाँ पे मैंने सारे मसालों को आलू के साथ मिला दिया है। अब इसे कवर करके पकाएंगे जब तक आलू अच्छी तरीके से पक न जाए। फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो रखा है, ताकि जो भी हमने सूखी मसाला ऐड किए हैं वो सारे ना जले। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मैंने कवर को हटाया है। आलू को थोड़ा यहाँ पे मिक्स कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब सारे आलू को एक प्लेट में निकाल देंगे। रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।